हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री करणदेव कांबोज ने बुधवार को इंद्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसंत विहार व नरसी विलेज में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गलियां व सड़कों के निर्माण की परियोजना का नारियल तोड़कर मंत्रोच्चारण के बीच शुभारंभ किया। इनमें बसंत विहार में करीब 11 करोड़ रुपए की राशि से गलियों का निर्माण कार्य तथा करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से नरसी विलेज में इंटरलॉकिंग टाइलों से सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है। मंत्री करणदेव कांबोज ने बसंत विहार गली नंबर 8 से गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस गली के निर्माण पर करीब 48,95,000 रुपए की राशि खर्च होगी, यानी बसंत विहार की विभिन्न गलियों के निर्माण पर कुल 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर अपने उद्बोधन में मंत्री जी ने कहा कि चौकीदार आपके सामने खड़ा है, काम बताते रहें, जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी कार्य को अधूरा रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसंत विहार के लोग काफी लंबे समय से जन सुविधाओं को लेकर परेशान थे, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी तब से इस क्षेत्र में विकास कार्य होने शुरू हुए हैं। अब इस क्षेत्र की किसी भी गली को कच्चा नहीं रहने दिया जाएगा तथा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा नेता ब्रिज गुप्ता, कुंजपुरा मंडल के अध्यक्ष नंदलाल पांचाल, मार्केट कमेटी के चेयरमैन इलम सिंह, गुरप्रीत भिंडर, एडवोकेट यशबीर सिंह, जगबीर कल्याण, नीरज, गजय सिंह, हरिराम, पृथ्वी, रामभजन, बसंत विहार से एमसी नवीन एडवोकेट, सरपंच जसबीर कुराली सहित भारी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने मंत्री करणदेव कांबोज का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। लंबे समय से जो है मतलब बसंत विहार के लोगों की एक मांग थी कि हमारे यहाँ जो जन सुविधाएं हैं, जैसे हमारी गलियां पक्की हों, हमारे यहाँ पीने के पानी का पाइप लग जाए और हमारे यहाँ सीवरेज भी जाए, तो आज वो दिन आ गया है कि जो लंबे समय से यहाँ के लोगों की मुराद थी, यहाँ के लोगों की तमन्ना थी कि हमारे यहाँ ये सारे काम हों, तो यहाँ पीने के पानी के पाइप दब गए हैं, यहाँ सीवरेज की लाइन दब चुकी है और आज यहाँ से गलियाँ बनाने का काम जो है ना उसको शुरुआत हमने की है। तो निश्चित रूप में 2 महीने के अंदर ये सारी गलियाँ जो लंबे समय तक लोगों की मांग थी, लोगों का एक नारकीय जीवन यहाँ लोग जी रहे थे, तो सारा जो है ना इनको सुविधा मिलने जा रही है। और सरकार ने 11 करोड़ रुपए के टेंडर करके सारी गलियों का ये कार्य जो निर्माण कार्य आज से शुरू करवा दिया। तो सर टोटल आज कितना क्या निर्माण हुआ? टोटल लगभग 47-48 करोड़ रुपए के काम इस कॉलोनी के अंदर हुए हैं। इसमें 18 करोड़ रुपए के जो अपने अमृत योजना के तहत वो काम हुए हैं, जिसमें सीवरेज का पाइप दबा है, जिसमें पीने के पानी के की लाइन बिछी है और उसमें जो है ना स्टोर वाटर के का जो काम उसमें हुआ है और उसके साथ साथ जो है ना 11 करोड़ रुपए की हमारी गलियों का उसमें हुआ है और 9 करोड़ रुपए के लगभग जो है ना हमारा एसटीपी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो हमारा शुरू हो गया है। उससे पहले भी कई प्रकार के काम यहाँ मैंने DKU से भी कुछ पैसे लोगों की जन सुविधा के लिए चाहे पारा का सफारी करने और यहाँ एक साइड बनाने की बात हो, कुछ और कामों के लिए भी मैंने जो है ना यहाँ मदद की थी और यहाँ जो मेन यहाँ की सड़क है उस सड़क को भी हमने लगभग हमारा एक नाला उसके साथ साथ बना था वो भी हमारे 4-5 करोड़ रुपए की लागत से हमारा पूरा तैयार हो गया था, पिछले साल ही तैयार हो गया था। यानी कि अब बसंत विहार के लोग इस बात को लेकर के बड़े खुश हैं कि सरकार ने आकर के हमारी सुन ली है, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी एक ईंट भी जो है ना डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ नहीं लगा। तो सर कब तक, जैसा कि आप बहुत अच्छी आपने काम गिनवाए हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी उपलब्धि भी है, लेकिन ये काम कब तक हो जाएंगे सर? ये लगभग मुझे उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर ये काम सारे सभी सड़कों पर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।